नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानं, नमो हरि हंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये सव साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पनाशनो, सव पावप्पनाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलं, पद्मं हवै मंगलं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अनफॉर्चुनेटली केशवानंद जी इज आउट ऑफ टाउन, वो आ नहीं आ रहे हैं। जय सच्चिदानंद। आई हैव सम क्वेश्चंस, मे बी आफ्टर 15 मिनट्स आई विल आस्क। क्या बताया? मुझे कुछ प्रश्न है, आफ्टर 20 मिनट्स आई विल आस्क। ओ फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताए। अनुबेन, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा, जय सच्चिदानंद। जस्ट एलैबोरेट, ये अनुकूलता एंड प्रतिकूलता को कैसे समझाएंगे? समझा नहीं, क्या बताया? अनुकूलता एंड प्रतिकूलता, लाइक व्हाट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? कन्वीनियंट एंड इनकन्वीनियंट। ओके, बट अगर सिचुएशन कोई ऐसी आती हो like which is not in favorable to me, so how do you like how do you transform that from that to that? Yeah, very good. That's what Dada has said. प्रतिकूल को अनुकूल बना लो। अच्छा, so जब भी ये हमें प्रतिकूल संयोग आते हैं, यानी unpleasant situation जब आती है, जी, तो उसको क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, उसे अनुकूल यानी अच्छा कैसे कर देंगे? प्रतिकूल तो भी अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन ये ज्ञान की भाषा में और ज्ञान की समझ से बिल्कुल कह सकते हैं, इजीली उसको परिवर्तन कर सकते हैं। और उसके लिए क्या बताया? संभाव से निकाल तो सभी में है ही, सिर्फ वो नहीं है कि ये जो संजोग आया है मुझे परेशान करता है जी, तो वो मुझे छुड़वाने के लिए आया है कि बांधने के लिए आया? ओके, पॉइंट, करेक्ट, या पॉइंट देयर। और वैसे भी अनुकूलता या प्रतिकूलता जो हम देखते हैं वो तो संसार के प्रति ही है ना, या रिलेटिव के प्रति है, उसकी बात तो करती नहीं है उसमें। और वो जो अच्छा नहीं लगता है वो तो पांच इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है ना, ये आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, पांच इंद्रियों को, एक्चुअली सब कुछ तो भ्रांति ही है। जगत में रह के वो रिलेटिव, वो स्थिति पे पहुंचे जहाँ सब कुछ अनुकूलता में लगे, यू नो दैट स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट। सही है, उसे उसके क्या बताया है? हाँ, कि मोक्ष में जाना है तो कौन सा व्यवहार आपको मोक्ष में ले जाएगा? जो पुण्य बंधाएगा वह, या पाप बांधेगा वह, क्या होगा वो बताइए आप। वो तो जो पुण्य बांधेगा वो ही, यू नो, बट क्या होता है, हमारी यहाँ पे कहीं कहीं पे हमारी इच्छाएं भी अटकती है, सो यस दिस इज वन, एक बाधाएं है हमारे रास्ते में, यू नो। लेकिन आपने जो बताया ना कि पुण्य बांधने से तो
आपको रिटर्न में संसार ही मिलने वाला है, ओके उससे मोक्ष नहीं मिलता है। तो क्या मांगना चाहिए? तो पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, देन व्हाट? जब पाप से मुक्त होते हैं, पुण्य से भी मुक्त होते हैं, तो वह और आत्मा का अनुभव खुला होता है, तब वो मुक्ति का मार्ग बनता है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि पुण्य बांधने का, पुण्य कमाने का मार्ग वो मुक्ति का मार्ग है। एक अपेक्षा से सही है, लेकिन वो अपेक्षा संसार के हेतु से नहीं है, मुक्ति के हेतु से। वो जो पुण्य कमाते हैं, वो पुण्य उसे पुण्यानुबंधी पुण्य को मोक्ष ले जाने वाला पुण्य कहा है। ओके यस, आई गॉट द पॉइंट। यस, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का फल क्या मिलता है, परिणाम क्या आता है, कि केवल पुण्य जो है ना, वो हमें अच्छा पुण्य हमें स्वर्ग में ले जाता है, अच्छा मनुष्य जन्म देता है, वो मुक्ति नहीं देता। या लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य को ऐसा बताया कि जिस पुण्य से हमें मुक्ति का मार्ग मिले, हमें मोक्ष मिले, वो बताया। और वह पुण्य ऐसा होता है कि जिसे हमें ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन होते हैं, और ऐसा ज्ञान पाकर, ऐसे दर्शन पाकर हम मोक्ष में जाए, वो बताया है। ये भी अगर हम जमा करते पुण्यानुबंध पुण्य, बट वी डोंट, जमा नहीं होता है, जमा तो सब कुछ ही होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह आता है कि जिसे आपको मुक्ति मिलती है। बट ये कल किसने देखा, नेक्स्ट भाव में किसने देखा कि हम कहां? तो दैट्स व्हाई इसी भाव में एक्सरसाइज करते हैं बहुत। हाँ यस, एक्सरसाइज आज करते हैं। एक्सरसाइज करने में तो कितनी तकलीफ होती है, हाथ पैर तो दुखते हैं करते करते, इसलिए ये मैंने ब्रेक लिया एक्सरसाइज से भी। हाँ, लेकिन तो फिर वो फ्यूचर के लिए ही तो करते हैं, आज दुखी होते हैं। आज अपना वैल्यूएबल टाइम हाँ गवाते हैं काम करने के लिए। जब काम करते तब पैसा मिलता है, कि आज काम करेंगे तो कुछ समय के बाद पैसे मिलते हैं? आज काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे कुछ टाइम। पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की कुछ? चालू ही है वो, छोड़े ना, एकेडमिक पढ़ाई की है आपने? यस। वो क्यों की थी? मिलने के लिए, फायदा मिलने। कल किसने देखा है? यू कमिंग टू माय पॉइंट। कल किसने देखा है? सब अज्ञान थे ना, अभी दादा भगवान के इसमें आए हैं ना। वो फिर कल की बात क्यों करते है? आज आप सही है, सही मार्ग पर है, वही आपका आपके खुशी का कारण है, आपकी मुक्ति का कारण है। पर ये अनुभव हुआ है इन थोड़े दिनों में कि एक्चुअली जो हम बोलते थे चलो आने वाले भाव में भाई चलो मनुष्य जन्म ये वो, बट आई सेड नो, अभी एनालिसिस बहुत हुआ आफ्टर योर दिस सामाय करने के बाद कि मोक्ष ही चाहिए, दैट्स इट पीरियड। बात सही है, अच्छा है, लेकिन वो मुक्ति का जो सामायिक है वो आप करते हैं ना, संसार का सामायिक नहीं करते है। नहीं। तो संसार का भी सामायिक होता है, वही अटक होती वो है, दृष्टि पर आधारित है। जिनको आत्म लक्ष्य, आत्म दृष्टि प्राप्त हुई है, हाँ। वो जो सामायिक करेंगे उनसे उनका परिणाम, उसका परिणाम मुक्ति है। Okay. और जिनको दृष्टि नहीं है वो सामायिक करेंगे, उनका परिणाम पुण्य है। ओके, लेकिन वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर वो सामायिक वगैरह नहीं करेंगे तो पाप बांधेंगे, और पाप से तो कभी मुक्ति होगी ही नहीं।
वेरी ट्रू. तो वो रिलेटिवली उसका परिणाम है, सापेक्ष परिणाम है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा है. इसीलिए समझना है कि हम जो भी करते हैं वो कल के लिए ही करते हैं. एग्जाम तो आज देते हैं, परिणाम थोड़ी आज आने वाला है. नहीं, कल ही परिणाम तो बाद में ही आता है, फिर भी उसके लिए ही करते हैं. खाना भी अभी खाते हैं, वो तो जब डाइजेस्ट होगा तब वो शक्ति देगा. सही है ना, वो थोड़ी अभी है. लेकिन अभी तो हम उसको मजा करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाके. मैंने सही काम करके सही रास्ते पर चलकर, इसलिए कहा कि ज्ञानी की आज्ञा अनुसार चलेंगे, उसका फल क्या है, उसका परिणाम क्या है, बोले मोक्ष. लेकिन वो परिणाम परिणाम तो अभी नहीं होता है, लेकिन जो रास्ता ही सही है तो उसका परिणाम भी सही है. और रास्ता मुक्ति का है, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा यानी मुक्ति का मार्ग हाथ में आ गया, उसमें कोई शंका नहीं करना है. शंका तो बिल्कुल नहीं, नहीं उसका मतलब ये नहीं है. लेकिन कहना कहने का क्या है कि वही आपकी मुक्ति है, आपको यहीं से अभी नाउ मुक्ति का स्वाद आता है. यस, अभी यानी अगर अभी आप कर्म नहीं बांधते तो वही आपकी पहली मुक्ति है, और सभी कर्मों का निपटारा हो जाता है समाधान पूर्ण, तब फाइनल मुक्ति हो जाती है. ओके, बट कभी कभी ऐसे लगता है डिस्चार्ज के जो कर्म है, जैसे न चाहते हुए भी होते हैं, तो उसमें कभी कभी तन्मयाकार होते हैं या कभी कभी तर्क वितर्क हो जाता है उसमें. सो वी डोंट नो, यू नो, इट जस्ट स्लिप्स आउट, मतलब माइंड से ऐसे, मतलब मुंह से ऐसे पटक निकल. बराबर है, उसके लिए ना थोड़ी बोलते हैं, प्रतिक्रमण भी होती है. उसे उसे भटकने वाले नहीं है. लेकिन आप जो हाथ में मोक्ष दिया है हथेली में, वो आप अनुभव नहीं करेंगे. Okay. आप समझे? समझे समझे. तो वो धीमे धीमे उसके ऊपर आएंगे, तब वो भी अनुभव हो जाएगा. आप समझे? समझे. ये उसका मतलब क्या है कि ये आपको पता चलता है ना, वो आपकी मुक्ति है. या आप समझे? या कि आप चूक जाते हैं वो आपको पता चलता है, इसीलिए आप उसका पछतावा करेंगे. मतलब चूक भी, मतलब वाणी मुंह से नहीं निकलती है, थॉट प्रोसेस तक ले आती है, दैट्स इट. कभी कभी ना, ओनली टिल थॉट लेवल इट कम्स. देखो ऐसा है, जो वाणी बाहर निकलती है वे दूसरों को हर्ट करेगी, दूसरों को भी हर्ट करेगी. हाँ. जो अंदर ही चलती है वो आपको परेशान करती है. तो क्या हो गया, नुकसान आपको है वो अच्छा है कि नुकसान दूसरों को है वो भी अच्छा है? ये है कि ना, I'm stuck here, अभी यहाँ अटकी हुई हूँ, कि अभी स्थूल लेवल पे नहीं है, अभी सूक्ष्म लेवल मतलब थॉट लेवल पे ही सब अंदर चलता है. वो तो अच्छा है ना, उसका मतलब क्या बताया है? हाँ, कि अगर अंदर बिगड़ता है तो आपको ही उसका समाधान लाना है. लेकिन अगर बाहर निकल गया तो सामने वाले के साथ भी समाधान लेना पड़ेगा. तो आपने आपका एक बड़ा लॉस अवॉइड करके आपने छोटा लॉस किया, वो तो समझ में आता है ना. आप समझे? मेरे अंदर चलता है तो उसका समाधान मुझे ही लाना है, उसकी दवाई मुझे ही करनी है. बराबर. लेकिन अगर बाहर तीर छूट गया तो फिर दवाई बाहर करनी पड़ती है, यानी काम बड़ा हो जाता है वो. या टेक्स अ व्हाइल. यस, नो, आई सिट विद माय सेल्फ, आई टॉक टू माय सेल्फ, ऑटो सजेस्ट माय सेल्फ, यू नो, आई मीन ये सारी बातें होती रहती है. हाँ, वो तो ये प्रोसेस है. तो उसमें ये तो अच्छा है, अंदर ही चलता है तो आपको अंदर ही जाने बैठे शांति से बैठकर अंदर का समाधान कर लेना है. लेकिन अगर वो बाहर आता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर लोगों को उसका जवाब देना है. बराबर. इसीलिए कहा कि जो बाहर आता है यानी वाणी, बाहर की वाणी या व्यवहार आचरण ऐसा होता है जी,
उसका परिणाम बाहर आता है, लेकिन जो अंदर ही चलता है किसी को पता भी नहीं चलता है, उसको हमें ही उसका समाधान लाना है। ये अच्छा हो गया, एक एक कदम आगे बढ़े हैं आप, यानी स्थूल में से सूक्ष्म में गए, ऐसा कह सकते हैं। So, तो अच्छा है। सूक्ष्म में भी क्या है, सूक्ष्मतम तर ये सब आने वाले हैं, ये भी और होएगा, वेरी सटलिस्ट थॉट्स भी आएंगे, बहुत सारा सटलिस्ट आल्सो। इसका मतलब क्या है कि अंदर जो आपको दिखाता है सामने वाले के प्रति कुछ भी, उससे आप सहमत नहीं है। अभी सामने वाले का इतना नहीं होता है, खुद का ही होता है। सुना नहीं आपने, आपने ठीक से सुना नहीं। नहीं, हाँ बताइए। मैंने कहा दूसरों के लिए ऐसे विचार आते हैं, लेकिन आप उनसे सहमत नहीं है। यस, नहीं है, वो विचारों से सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब व्यवस्थित ही है बस। व्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित बोलेंगे तो करेंगे नहीं। उसका मतलब यह है कि आप सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, और आप कितना भी चाहते हैं कि ये ना हो, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन वो भरा हुआ माल खाली होता रहता है। हाँ। आपकी सिग्नेचर नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, एंडोर्समेंट नहीं है। यस। तो वहां आप हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते, उसको मिटा भी नहीं सकते। यस, तो वो दुष्मतर है। ओके, आप समझे? या समझे, समझे। वो उसको वेट एंड वॉच ऐसा है। वो ये समय में उसका निपटारा नहीं हो सकता। लेकिन उसको उसका जो परिणाम है वो सहना पड़ता है कि आप मुक्त नहीं हो पाते। तो ये जब ही हो रहा है था, मतलब जस्ट फ्यू डेज बैक ये सब हो रहा था, एंड आई वाज, मतलब मैं सिर्फ देख रही थी, पहले थोड़ा मन चला, फिर समाधान चुप हो गई। आई सेड नहीं, ये सब तेरा किया हुआ, तेरे सामने आ रहा है, बी क्वाइट। वो आपका है ही नहीं भी, तेरा किया हुआ, यानी किसको बोलते हैं तेरा किया हुआ? ये पास्ट में किया होगा ना मैंने। अरे तेरा यानी किसका? फाइल वन का। तू फाइल वन है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ओके, ठीक, देखो हाँ, ये कुछ आपको चुभता है और आप बोलते हैं वो आपका किया हुआ है। आप समझे? ये बात समझना है। वेरी सटल, यस, समझे। यस, हमें हमारा लगता है जो हमारा नहीं है, बराबर। आप समझे? तो यहाँ पर उसे अलग होना है। यस, हम कहते हैं कि देखते हैं, लेकिन देखने वाला तो अलग नहीं होता है। अलग ही होता है। ये बहुत अच्छा महसूस हुआ, ये जब अनुभव हो रहा था कि कुछ हो रहा है, पहले तो मैं तन्मयाकार नहीं हुई, रिएक्शन थोड़ा अंदर ही अंदर चल रहा था, नॉट आउटसाइड। फिर बाद में मैं अलग, रियली अलग होके आई वाज जस्ट वॉचिंग, देन आई टोल्ड माय सेल्फ ये सब तू करके आई थी, ये सब तेरे सामने वही आ रहा है। फिर बाद में मैं हंसने लगी, द होल ग्रुप आई स्टार्टेड लाफिंग, लाइक एज इफ मेरे साथ हुआ ही नहीं था, यू नो, ऐसे हो गया। देखो ऐसा है, थोड़ी गहराई में हम जाएंगे। हाँ, एक तरफ हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ असर होती है। पहले असर हुई थी, फिर मैं देखने लगी थी। देखने देखने वाले जो जिसको देखते उसे अलग नहीं होते हैं, अलग ही होते हैं। उसी को तो देखा कहा जाता है, और उसी को देखना कहा जाता है। इसीलिए हमारा आई है ना, आई मैं, यस, उसे बड़ी अच्छी तरह से समझना है, पहचानना है। जब आप बातें करते हैं कि आपने किया है वगैरह वगैरह, जो कहते हैं वो तेरा है करके, तब आप कौन है? तभी तो रिलेटिव हो जाते हैं। अरे कमाल है, मैं कहता हूँ कि अनुबेन आपकी गलती है, तो तब मैं कौन हूँ? मैं अनुबेन हूँ? नहीं, 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 नहीं। मैं जब कहता हूँ कि अनुबेन आपकी गलती है,
तो मैं कौन हूँ फिर? बराबर, मैं अनुभव थोड़ी हूँ। हाँ बराबर, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और अनु की गलतियां है। बराबर, बात समझना है। यस यस यस, क्योंकि धीमे धीमे इसको इसका एनालिसिस करना है, पुटकरण करना है, आज इसका खत्म खात्मा ही करना है मुझे, विद फुल अंडरस्टैंडिंग। किसका खत्म करना है, किसका खात्मा करना है, सेपरेट करना है बस, और शुद्ध आत्मा को सेपरेट यहाँ से बस। आई हैव टू नहीं, किसका खात्मा करना है? फाइल वन का। हाँ, फाइल वन का। फाइल वन को आप थोड़ी परेशान करती है। तो क्या परेशान करती है, जब तन्मयाकार हो तो फाइल वन ही परेशान। आपका मेरापन, ओके, ओनरशिप, यस, जो आपका नहीं है, जो आप नहीं है, उसकी असर हो जाती है। उसे हमें पहचानना है, समझना है कि यह मेरा नहीं है। वो कितना भी मनवाने आए, आप कौन है, तो बोले मैं शुद्ध आत्मा हूं जी। आप शुद्ध आत्मा कैसे है, हाउ आर यू एज शुद्ध आत्मा, तो बोले मेरा स्वतंत्र द्रव्य है। शुद्ध आत्मा द्रव्य तो समझते हैं ना? हाँ कहते हैं, लेकिन समझते हैं कि नहीं? हाँ समझते हैं। कैसे आपका द्रव्य, आप द्रव्य से है, शुद्ध आत्मा द्रव्य से, यानी शुद्धल द्रव्य आपका द्रव्य नहीं है। समझ में आया? हाँ ये समझ में आया। यानी जो आपकी गाड़ी है ना, हाँ, वो आपकी गाड़ी है, तो बाजू वाले की गाड़ी आपकी गाड़ी नहीं है। उसी तरह से आप कैसे हैं, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा द्रव्य से हूँ। ओके, यानी मेरे खुद का द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य, सेपरेट फ्रॉम पुद्गल द्रव्य। ओके, कौन सा पुद्गल द्रव्य, कौन सा पुद्गल द्रव्य? अनुबेन का। समझिए, अनुबेन का पुद्गल द्रव्य वो अनुबेन है, और शुद्धात्मा द्रव्य वो आप है। ठीक है, पुद्गल में क्रिया होती है कि ज्ञान शक्ति है कि क्रिया शक्ति है? क्रिया होती है पुद्गल में, अनुबेन में ज्ञान शक्ति है कि पुद्गल क्रिया शक्ति है? दिस इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अरे क्रिया कर, क्रिया कौन करता है, शुद्धात्मा करता है कि अनुबेन करती है? अनु कर रही है, फाइल वन कर रहे हैं। सही है। तो आपको जहाँ उलझन खड़ी हुई, वो क्रिया के बारे में हुई या ज्ञान के बारे में हुई? क्रिया के बारे में हुई। वो क्रिया तो अनुबेन की है। आप समझे? समझे। तो इस तरह से पृथक्करण करने से आपको पता चलता है कि किसी की क्रिया के कारण आप उलझ गए। ओके, आप परेशान हुए। बराबर, आप कौन है वो आप पहचान लो। आप द्रव्य से है, और अगर द्रव्य अलग है तो गुण भी अलग है। यानी पुद्गल गुण से आपके गुण अलग है। बराबर, पुद्गल के गुण रूप रस स्पर्श गंध है, कषाय है सब। हाँ है कषाय, आप पुद्गल के गुण नहीं है। क्रोध मान माया लोभ वो पुद्गल के गुण नहीं है। वो व्यक्ति रे गुण है। वो पुद्गल के भी नहीं है और आत्मा के भी नहीं है। वो बीच में खड़े हो जाते हैं। ओके, व्यतिरेक यानी ना पुद्गल के ना आत्मा के, लेकिन बीच में, लेकिन वह आत्मा क्षेत्र के बाहर ही है। ओके, ये समझ में आया? समझा समझा, आत्मा क्षेत्र के बाहर ही है। आईने के ऊपर की धूल आईने में है? नहीं, आईने के ऊपर की धूल जो है वो आईने में है या आईने पर है? ऊपर है, आईने के ऊपर है, पर है। आईने में नहीं है ना? नहीं, ऐसा है ना, हम जैसा बोलते हैं ना, जैसे मानते हैं ऐसा बोला जाता है, और जैसा बोला जाता है उसकी असर होती है, क्योंकि उसके पीछे ये मान्यता है। ओके, गॉट इट। तो वो क्लेरिफाई कर लेते हैं, यानी
मान्यता की क्लैरिटी जो वाणी से आती है, शब्द से आती है, तो उसके परिणाम से आपको असर नहीं होगी, असर बंद हो जाएगी। आप समझे? समझे गया। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे हुआ, ऐसा होता है, इसीलिए आपको असर होती है जी। तब आप बोलते हैं कि ये तो अनुबेन का है, मुझे नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा, जिसका है उसको समझकर आप अपनी सीट पर बैठ लो, यानी मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनुबेन हूँ, ओके नहीं हो अभी। हाँ यस, रिलेटिव व्यू पॉइंट अनुबेन ही हो रिलेटिव व्यू पॉइंट से। यस हाँ, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से अनुबेन हूँ तो आप क्या करेंगे? अनुबेन का जो गड़बड़ होती है ना उसको करेक्ट करेंगे। आप समझे? समझे। शुद्धात्मा करेक्ट नहीं करता है। बराबर। जैसे कि आप बेटी भी है और मम्मी भी है, सही है ना? जी। तो जब आप बेटी है, मम्मी के साथ बेटी की तरह रहेंगे ना, तब आप बेटी है ऐसा कहलाएगा। और जब आप बच्चों के साथ है तब मम्मी होकर रहते हैं। जी बराबर। बेटी होकर आप बच्चों को डांटेंगे? नहीं, मम्मी होकर ही डांटूंगी। उसी तरह से मम्मी मैं व्यवहार दृष्टि से अनुबेन हूँ तो अनुबेन होकर व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से आप व्यवहार अनुबेन को करेक्ट करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। ओके ओके, आप समझे? समझे समझे। ये प्रतिक्रमण करते वगैरह जो करेक्शन होता है वो अंतरात्मा भूमिका की जागृत अवस्था की परिस्थिति है। ट्रू। ये आपका काम है जी, क्योंकि व्यवहार अपने आप ठीक नहीं होता है, बराबर करना पड़ता है। यस हाँ, करना पड़ता है, लेकिन किए बगैर विदाउट डूअरशिप, या विदाउट रियाज, विदाउट डूअरशिप आपको करना है। तो समझ गए आप? समझे समझे। यस, तो इस तरह से रहने से आप निश्चय दृष्टि से देखेंगे और व्यवहार दृष्टि से करेंगे, क्या करेंगे, जो आपको समझ में आया कि ये सब गलतियां हुई, तो अनुकूल किसको लगता है? हकीकत में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अनुमेन को ही लगता है, बराबर, लेकिन वो दोनों की असर आपके ऊपर अंतरात्मा पर आती है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, आप समझे? समझे समझे। वो बुरे को अच्छा कैसे कर देंगे? तो ये रास्ता बताया समझ का। यस, जो बुरा है वो छुड़वाने के लिए आता, वैसे अच्छा भी छुड़वाने के लिए ही आता है, लेकिन उसकी असर में से निकलने का रास्ता जो अलग है, और जो बुरा लगता है उसकी असर में से निकलने का रास्ता अलग है। जी बराबर। जैसे कि हाँ बोलते लेकिन समझ लेना पड़ेगा। जब हाँ कहते तो समझ भी पीछे सही होनी चाहिए ना। बराबर। बुरा लगता है, जब बुरा लगता है तो उसको अच्छा कैसे करेंगे? तो बोले ये बुरा छुड़वाने के लिए आया है। बराबर। कैसे? तो बोले आपने गलती हुई थी, इसके लिए आज उसका परिणाम आया, तो अब उसको देख लो अच्छी तरह से, समझ लो कि वो जो पीड़ा देती है वो आपकी गलती का परिणाम है। जैसे कि आज जो इंटर्न का रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया, क्योंकि इंटर्न पहले अच्छी तरह से नहीं दी थी, इसीलिए परिणाम खराब आया। बराबर। तो अभी आप उसको भुगत लो, समझ लो, अपनी गलती को पहचानो कि वो गलती हुई थी इसीलिए ये परिणाम आया।
तो आपको अंदर और भी शक्ति बढ़ेगी कि नहीं अभी नहीं करना है, बराबर क्योंकि यही अभी बात। अगर मैं अपना इम्तिहान सुधार दूं गलती को सुधार कर तो आगे का परिणाम सुधर जाएगा। तो आपको जो करना योग्य था गलती के सामने वो आपने किया, तो बुरे को अच्छा कर दिया। अभी जी अभी अच्छा आया जी, लड्डू खाने का आया, सब लोग अच्छा अच्छा करते हैं आपके साथ, तो बोले उसमें बहक मत जाना, ट्रू, वो हमें ज्ञान में नहीं रहने देगा। बराबर, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना तो पांच इंद्री के सुख में आप स्लीप हो जाएंगे। बराबर, वो उस बच्चों के खेलने का स्लीप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड स्लाइड, वो स्लाइड बोलते हैं, लेकिन वो स्लाइड में इसमें ये स्लाइड में बैठेंगे तो स्लीप हो जाएंगे। तो बोले वो ये अनुकूलता, वो पांच इंद्री का सुख मेरा नहीं है, लेकिन वो सुख लगता है उसका क्या है, सुख तो लगता है, इसीलिए उसको क्या कहा पता है, वो विभाविक गुण है, स्वाभाविक सुख नहीं है। क्योंकि विभाविक यानी माना हुआ सुख, जो चीज को आपने माना है जी, उसका आपको आनंद आता है, बराबर, और वही चीज अगर किसी ने माना नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। किसी को मीठा खाने में बड़ा आनंद आता है, किसी को मीठा आता है, बोले ये क्या है यार, सभी में ये गुजराती लोग सभी में शक्कर डाल देते हैं, मीठा कर देते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं आप लोग, ये बोलते हैं ये गुज्जू डाल है बोलते हैं, ये डाल गुज्जू बनाई है, ये बात है, आप समझ गए, समझे समझे। तो इस तरह से ये जो अच्छा लगता है वो मुझे अपने स्वाभाविक सुख से स्लिप करता है, इसीलिए क्योंकि ये पांच इंद्रिय जो अवलंबन वाला सुख है, मान्यता वाला सुख है, वो आके चले जाएगा, वो कायमी सुख नहीं है। या नथिंग इज परमानेंट, यस। अरे ऐसा नहीं है, ये सुख के सामने क्या समझ रखेंगे ताकि उसकी लपेट में नहीं आए आप। हाँ नहीं आएंगे, बिकॉज अभी रास्ता तो चुन लिया है, कैसे स्लाइड नहीं होना है अभी, ये बात है। तो ये जैसे बताया कि प्रतिकूल को अनुकूल करना उसमें से छूटने का रास्ता है, अनुकूल को प्रतिकूल कैसे करने का वो ये रास्ता है। ओके, मुझे अपने स्वाभाविक सुख से वो स्लिप करता है, बराबर, इसीलिए वो मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो शाश्वत सुख है जो जाता ही नहीं है कभी। समझ गए, समझे समझे। तो इस तरह से अनुकूल को प्रतिकूल करना और प्रतिकूल को अनुकूल करना। और अगर ये पुण्य जमा करने हो तो उसका क्या करें, लाइक जैसे दादा भगवान, कौन सा पुण्य है, पुण्य खर्च नहीं करते थे, टेक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एग्जाम्पल आई यू दादा भगवान, देखो पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको आप लागू पड़ता नहीं है। ओके, शादी होने के बाद आप जो चिरंजीवी थे ना, चिरंजीवी बोलते हैं ना बहनों को, हाँ, तो वो लागू पड़ता नहीं है क्योंकि आप अब कुंवारी नहीं रही, शादी होने के बाद शादीशुदा हो गई, ओके, श्रीमती हो गए, शादी शादी नहीं होती है उसको श्रीमती नहीं बोलते, बट उससे कुछ भी बोलते नहीं फर्क पड़ता ना, कि अगर हम पुण्य ऐसे उड़ा रहे हैं, अपना पुण्य बहुत आ रहे हैं तो पुण्य उड़ा रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना, तो उड़ा रहे उसका मतलब क्या है, इंडल्जेंस, बट नॉट इंडल्जेंस, वो तो अनुबेन इंडल्ज होते हैं, आप थोड़ी इंडल्ज होते हैं। ओके, दैट्स व्हाट, ओके, उनको बोलने का कोई इंडल्ज होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड समझ में रखना कि ये चले जाएगा, चले जाएगा, फिर बैठ के रोएंगे चले गया, समझा, आप समझ गए, समझे समझे, यस, वही अनुकूल प्रतिकूल होने ही वाला है, बराबर। तो अनुकूलता के समय में ही उसको प्रतिकूल कर दिया और आप आत्मा में आ गए, तो आपको सारे अनुकूलता का लाभ मिलेगा। ओके, नहीं तो वो जब चले जाएगा तब वो प्रतिकूल करवाएगा, तब आपको शांत ठिकाने आएगी, तो उसे बोले कि आप पहले से ही समझ लो कि ये okay. यह है, सावधान सावधान, यस, समझिए। तो आप, आपको जो आत्मा का सुख मिला है, मोक्ष का सुख मिला है, मुक्ति का सुख मिला है, वो आप अविरत उसका अनुभव करेंगे।
जी बराबर, समझिए, समझे समझे या ये प्रकृति के अनुबेन के अनुकूल प्रतिकूल में कैसे आप स्वस्थ रहेंगे उसका रास्ता बताया, जी यानी आत्म अस्त आत्मस्त कैसे रहेंगे, स्व यानी आत्मा में कैसे रहेंगे, हाँ ओके समझिए, समझा समझा ये हाँ, यही तो इस तरह से सभी चीज संजोगों को आत्मा की छलनी से देखना है, समझना है, फिल्टर करना है, ताकि अनात्मा वहां से निकल जाए और आत्मा आत्मा रह जाए, यस ओके, या अनात्मा रह जाए आत्मा निकल जाए, ओके, जो कचरा रहता है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए अगर आपको आगे जाना है तो आत्मा निकल निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है और अनात्मा वो रह जाता है, ठीक है, अच्छा सोच लिया आप, यही सब की बात। भारती बहन वेलकम, जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, वचन बल अपन कैसा बढ़ा सकते, किसी को दुख नहीं देने का, फिर बहुत ज्यादा नहीं बोलने का, ज्यादा बोलते हैं हम सामने वालों को हेडेक हो जाता है, फिर अच्छा बोलने का, दुख है ऐसा नहीं बोलने का, जो सही है वही बोलना है, इसीलिए सत्य, फिर हितकारी कम मीट और प्रिय अच्छा लगे ऐसा बोलना, बेसिक सत्य हित मीट और प्रीत का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, That which is pleasant for others, speak of less course, and speak तो what is necessary. किसी को डांटते वो अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं अच्छा नहीं लगता, मगर कभी डांटना पड़ता ना। हाँ तो डांटने के लिए बताया, डांटना है तो डांटना, लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि से देखने के बाद डांटना, समझिए, जैसे कि मम्मी बच्चों को डांटती है ना, तो मम्मी अपने बच्चों को उनके साथ नाता नहीं तोड़ देती, वो अंदर से दिल से तो जुड़े हुए ही होते हैं, आप समझे, लेकिन वो मम्मी और बच्चों के साथ का एक संबंध ऐसा है कि वो टूटता ही नहीं है कभी भी, और वह इंटैक्ट रहकर आप डांटते हैं बच्चों को, लेकिन दूसरे लोगों को वो अंदर का कनेक्शन है ही नहीं, और केवल डांटना होता है, यस, इसीलिए वहां ये गलत हो जाता है, प्रॉब्लम होता, इसीलिए मम्मी डांटने के बावजूद उसको क्या बोलते हैं पता है, यानी उसके पीछे की समझ यह है कि मम्मी जानती है कि मुझे डांटना नहीं है, लेकिन डांटना पड़ता है क्योंकि बच्चे ने गलत किया है, आप समझे, वो बच्चे ने गलत किया इसीलिए आप डांटते हैं, यानी जो बच्चे ने गलत किया वो एक निमित्त था, अ हैपनिंग, उसके सामने आपका डांटने का निमित्त, निमित से निमित को डिवाइड किया, बैलेंस किया, तो निमित का बैलेंस होने पर वो जो निमित ने गलत किया था वो गलती से निकल जाते हैं, रिपेयर हो जाता है, आप समझे, बच्चे का जो निमित हुआ था गलती करने का उसमें से वो बच्चा निकल जाता है, अरे मैंने मम्मी को दुखी किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो मम्मी तो बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा खिलाते रखती है, हमें ले जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह, समझ गए आप, समझे आप, या वो उसी तरह से आप जिनको भी डांटते हैं, किसी भी अरे गरे को तो आप कुछ करेंगे ही नहीं,
आपके पेशेंट है तो आप डांटेंगे शायद। डांटेंगे डॉक्टर डांटते नहीं है, गोली क्यों नहीं डांटते ली इतने दिन में, ऐसे ही रखने के लिए मैंने गोली दी थी, तो गोली नहीं ली तो देखो ये सब हुआ अभी आपको। लेकिन वो यहाँ गोली नहीं लेते वो लोग, दोबारा वापस आते हैं, तंग आ जाते हैं हम लोग। क्या बताया, मेडिसिन लेते नहीं वो लोग दोबारा, मेडिसिन लेते नहीं दोबारा आते वही सिकनेस से। हाँ वो तो है ही ना, इसीलिए आप फिर डांटते ना उनको, गोली क्यों नहीं ली। लेकिन आपको अच्छा लगता है कि आपका धंधा अच्छा चला, आगे और भी पैसा मिला है, ऐसा सोचते हैं? वो गोली नहीं ली तो अच्छा है, मुझे वापस उसका बिल बनाना पड़ेगा, बनाएंगे हम। नहीं, ये तो समझना है उसको ठीक होना ऐसा सोचते हाँ, हैं। तो इसके लिए आप डांटते हैं तो उनको भी ऐसा महसूस होता है कि अरे डॉक्टर हमें डांटेंगे क्यों, उन्होंने जो दिया दवाई दी थी वो मुझे लेनी थी लेकिन मैंने नहीं ली, वो मेरी गलती है। आप समझे, डांटने पर उनकी गलती का एहसास होता है उनको, डॉक्टर ने मुझे डांटा करके नहीं बोलते, मम्मी ने मुझे डांटा ऐसा करके नहीं बोलते, मम्मी ने मुझे मारा करके नहीं बोलते, वो बोलते कि मैंने गलती की इसलिए मम्मी को ऐसा करना पड़ा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप समझे, इस तरह से रहना है। तो ऐसी बानी, और एक ऐसी बानी यानी किसी को अपनी गलती से बाहर निकाले तो ऐसे डांटने को डांटा नहीं कहा जाता है। अच्छा अच्छा समझ गए, समझ। लेकिन अगर वो ऐसे ही डांटते हैं तो फिर किसी दूसरों के साथ हमारा दिमाग, दिमाग का नस है ना वो हिल जाती है, पता नहीं है, और फिर गुस्सा करते हैं तो उसे खुद का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है, जिनके पर आप गुस्सा होते हैं वो उनको भी नुकसान होता है। That is, we are disturbed and the other person is disturbed. Yes, you are. इसलिए क्या कहा कि वाणी को सुधारने के लिए दादा भगवान का निधि ध्यान यहाँ गले पे करने का, दादा को अपने गले में देखो, उसे उसे वाणी में बहुत फर्क आएगा। निधि ध्यान कैसा? I didn't understand. निधि ध्यान यानी दादा का फोटो आपको गले में देखने का है, अपने थ्रोट में देखने का है। दूसरा आदमी के थ्रोट में भी देखना, अपने थ्रोट में भी देखना, नहीं तो क्या आखिर में देखेंगे तो उनकी बानी अच्छी होगी और आपके थ्रोट में देखेंगे तो आपकी बानी अच्छी होगी। अच्छा अच्छा, आपकी बच्चे की बानी है, बच्चे की बानी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं बोलता है तो फिर आप जैसे वो दवाई देते है ना लैरिंगाइटिस या साइनोसाइटिस होता है ना, तो आप जैसे दवाई नहीं देते है, देते हाँ तो वो दवाई लैरिंगाइटिस को रिपेयर करता है, तो ये बानी किसी की बानी को रिपेयर करने के लिए आप उनके गले पर दादा का निधि ध्यान करो, वैसे कोई दूसरे का वाणी अपना अपना सुधार लिए तो हो गया ना, अब दूसरे का किधर से सुधार। लेकिन वो तो दूसरा अगर आपको अपना लगता है तो आप ऐसा करेंगे। अच्छा अच्छा, मगर कभी ऐसा होता कि कुछ लोग बात करते ही रहते करते ही रहते करते ही रहते, एंड ही नहीं रहता, जब क्या करना। हाँ वही तो, लोग वेट रेडियो करते तो बंद कर सकते हैं, लेकिन ये रेडियो को कैसे बंद करे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि हम कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है फिर भी बोलते रहते हैं कि नहीं, जानते नहीं है। लेकिन जब ऐसा हमारे साथ होता है ना तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये वाणी यहाँ से कुछ ऐसी निकली थी इसीलिए रिटर्न हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आप समझे। ऐसा नहीं, पेशेंट्स का भी कुछ लोग ज्यादा एंग्शियस होके ज्यादा बात करते हैं। वो तो होता है ना, क्योंकि वो पेशेंट्स जब आपने पेशेंस नहीं रखी थी पहले, इसीलिए अभी आपको पेशेंस सीखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो सुनना ही पड़ता है, कई बार ऐसा नहीं होता है।
कंपल्सरी, यू कांट डू एनीथिंग. यस समटाइम्स समटाइम्स. कविराज का एक पद अनुबे ने याद दिलाया मुझे, कविराज जी का पद है कंठे विराजो हे दादा. या कंठे विराजो हे दादा, वो भी आप बोल सकते हैं. हनुमानी भाषा समथिंग लाइक दैट. समझे ना, ये वाणी वाणी तो धीमे 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 वो इतनी रिफाइन होती जाती है कि फिर हमारा शब्द निकलता है ना तो सामने वाले को आर पार निकल जाता है, उनके आवरण तोड़ देता है. यानी जिस आवरण से वो बंधे हैं वो आवरण टूट जाने पर वो मुक्ति का अनुभव करते हैं. ऐसी मुक्ति देने वाली दादा का वाणी वैसा था. हाँ दादा का वाणी वैसा था. हाँ तो उन्हीं के जो आधार का वाणी मुक्ति देने वाली वाणी है. हमारे पास तो कुछ सामान है ही नहीं, हमारे पास कचरा था, सब कचरा. ना खुद को काम लगे ना का वाणी से तो सबको मुक्ति मिलता था ना. वही इसीलिए इसी जब हमें पता चलता है तो हमें भाव होता है कि मेरी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए. दादा जैसा मुझे होना है करके बोलते ना, दादा जेऊ मारे थाऊ छे, दादा जेऊ मारे थाऊ छे, ऐसा बोलते ना. एक बहुत है कविराज का कि दादा का जैसा होना है मुझे. Okay, I don't know that. हाँ, तो another thing is your thought, word and deed should be. Patient के लिए पीछे बहुत time निकालते, थोड़ा इसमें भी थोड़ा time निकालना पड़ेगा. Yeah. File number one को भी देखना पड़ता है ना. देखना पड़ता है यानी बोझा के साथ देखते हैं. हाँ. File number one को भी देखना पड़ता है, वो उसका मतलब क्या है? यानी आपको देखना नहीं है, मेडिटेशन कुछ ना कुछ करना पड़ता, वो सब करना पड़ता. अरे जो आपका काम है वो तो आपको करना ही है ना. आप शुद्धात्मा तो ही पड़ता. आप शुद्धात्मा हो या तो आपका काम क्या है? ऑफ कोर्स आई एम शुद्धात्मा. हाँ तो ऑफ कोर्स करके आपका ऑफ कोर्स काम क्या है वो बताओ. ऑब्वियस काम क्या है आपका? आई एम शुद्धात्मा. अरे तो ऑब्वियस काम क्या है आपका शुद्धात्मा हो तो? ज्ञाता दृष्टा में रहना. हाँ तो उसका मतलब क्या है ज्ञाता दृष्टा में? देखने का नहीं, जानने का नहीं. बोलो. समझ में नहीं आया मुझे. अरे आपने बोले हैं कि मैं शुद्धा देखना पड़ता है करके बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? आपको देखना नहीं है फिर भी देखना पड़ता है, ऐसा उसका मतलब हुआ ना? ओके ओके. ये नहीं हुआ उतना काम करना पड़ता है, उसका मतलब क्या है? मुझे काम करना नहीं है लेकिन उसके किए बगैर चलता नहीं है. यानी जबरदस्ती आप काम करते हैं. अभी समझिए ना, ऐसा नहीं. फाइल नंबर वन को दे. फाइल नंबर वन इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ इट एंड संभव से निकाल करे. बात सही है. देखने का मतलब उसको समझना है कि ये फाइल नंबर वन है, ये रिलेटिव है, मैं रियल हूं. समझ गए? तो ये भावना करने से फिर ये पांचवी कलम है ना, जी भी देता जीवात्मा के साथ कठोर भाषा, तंतुयुक्त भाषा, न बोली जाए न बुलवाई जाए न बोलने का प्रति अनुमोदन किया जाए, इसी परम शक्ति आप हमें दे, वो सब है ना पांचवी कलम. या वो आप बोलिए, उसे वाणी ऐसी हो जाएगी. फिर पहली दूसरी कलम भी ऐसी ऐसी आदवाद वाणी उसे होती है. ठीक है. ओके ओके. एंड थॉट वर्ड एंड डीड शुड बी सेम. हाँ थॉट वर्ड एंड डीड शुड बी सेम. ऐसा नहीं है वो, ये में ये टाइम होने वाला नहीं है. आप ये भावना करिए बस, वो हो जाएगा अपने आप. समझ गए? स्पीच शुड बी वचन बल शुड बी देयर. बोल शादवाद. ओके वचन बल यानी शादवाद. शाद ओके शादवाद वाणी. वी कैन आस्क फ्रॉम दादा शादवाद. करेक्ट करेक्ट. जो चाहिए वो मांगना है दादा के पास. ओके एंड यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज इट नॉट. यस एज फार एज पॉसिबल बिकॉज़ सिचुएशन वोंट अलाउ यू टू से ट्रूथ.
sometimes very rarely, that is rare. Yes. Okay. और एक प्रश्न है, जिसे उपाधि में समाधि रहे वह इंसान कहलाता है। हाँ, यानी वह आज का जो आया। हाँ, अब बोलिए। जिसे उपाधि में समाधि रहे वह इंसान कहलाता है। हाँ, यानी उपाधि में जो विचलित होते हैं उसे इंसान कैसे कहेंगे? उपाधि यानी विकट परिस्थिति में जो संभाल लेते हैं तो उसी को इंसान कहेंगे ना? हाँ, समझे? जो प्राणी होते हैं ना, वो विपरीत परिस्थिति में शांति होती है उनको? शांति नहीं रहती, बहुत डिस्टर्ब रहते। अरे मैं प्राणी की बात करता हूँ, जो जानवर होते हैं वो विपरीत परिस्थिति में शांति होती है उनको? वो तो अटैक करते हैं ना, क्योंकि उनको इंस्टिंक्टिव अटैक है, वो अटैक करना ऐसा नहीं है। नहीं, या दैट्स ट्रू। तो मनुष्य जो किसे कहेंगे, जो विवेक से काम लेते हैं, यानी कि अगर कोई गलत करता है तो उसका कारण है, उसका कारण बाहर नहीं है, उसका कारण मैं ही हूं। तो वह समाधि में रहते हैं, यानी समाधान में रहते हैं, तो उनको मन में विचलितता नहीं आती, मन से विचलित नहीं होते हैं, तो वाणी व्यवहार से आचरण से वो विचलित नहीं होंगे, दुख नहीं देंगे। आप समझे? तो उसे इंसान कहलाते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे। नहीं, कोई दुख देता है तो प्राणी क्या करता है, जानवर क्या करता है? अटैक करता है ना सामने? यस, करता है। क्यों करता है? उसका नेचर है वो। हाँ, टू प्रोटेक्ट, टू डिफेंस। अरे उनका इंस्टिंक्ट ही ऐसा है, उनको विवेक नहीं है। और मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो वो क्या, कौन से विवेक से करता है कि मेरी गलती मेरे सामने आई है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए? तो वो समाधान से रहते हैं, और जो इस तरह से समाधान से रहते हैं उसको इंसान कहलाते हैं। जो विवेक से काम लेते हैं वो इंसान कहलाते हैं, जिनके पास विवेक ही नहीं है वो प्राणी है। समझ गए? ओके ओके। थक कर और एक आया कि समझ कर ओके कहा? या आई गॉट इट। ओके, जय सच्चिदानंद। और एक है, हिताहित का बान। हाँ? हिताहित का बान या खुद का हित किसमें है और अहित जिसमें, मनुष्य हाँ? में इसका बान खत्म हो जाए उसे कहते हैं दुष्कम काल। हाँ, यानी आज दुष्कम काल, यानी कलयुग किसको बोलते हैं कि जहाँ पर सही गलत का विवेक नहीं रहा, समझ नहीं रही, इसीलिए वो कुछ भी करते हैं, इसीलिए वो कुछ भी करने पर कोई भी परिस्थिति में पाप ही बांधते हैं। आप समझे? हमारी समझ ऐसी कुछ नहीं थी पहले, दादा से मिलने के पहले। या कुछ पूरी नहीं, कुछ तो ऐसी थी ना। इसीलिए कहा कि ये कलयुग का दुष्कम काल का परिणाम है कि यहाँ पर मन वाणी काया बुद्धि ऐसी होती है कि अपना हित नहीं देखती, दूसरों का हित नहीं देखती, सबका नुकसान ही करती है। उसे दुष्कम काल बोलते हैं, जहाँ विवेक नहीं रहता। Like atom bombs and all that, is it not? कभी भी वो इग्नाइट हो जाता है और ब्लास्ट करता है। इग्नाइट होने के लिए उनको रेगुलर ब्लास्ट करा तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता ना। हाँ, वो करते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता। वो खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। या बॉम्बर्स, सुसाइड बॉम्बर्स आल्सो डू दिस। वो अलग है,
ओके समझ गए। अपने आप को मार लेते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं ना। वो खुद को मरने का वो गलत नहीं मानते हैं, दूसरों को मारा वो गलत है, वो सही है मानते हैं, क्योंकि उनको तो खुद को मारना ही है, क्योंकि मुझे वो जन्नत में जगह मिलेगी ऐसा मानते हैं, दूसरों को मारकर मुझे जन्नत मिलेगी ऐसा मानते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दिया जाता है। That is, they will get heaven, is it? Yes, that's what they are made to believe like that. Okay. इसीलिए वे ऐसा करते हैं, किसी को मैन्युअली मैनिपुलेट करके दे मेक देम बिलीव लाइक दैट, उनकी मान्यता को एक तरह से बदल देते हैं, फिर वो अपने आप को जला लेते हैं और मानते हैं कि मुझे जन्नत मिलेगी, लेकिन सिद्धांत जन्नत तो नहीं मिलेगी ना, वो तो बहुत बड़ा पाप है अपने आप को किल करना। हाँ, लेकिन वो तो क्या है, they are made to believe like that. किसी को भी दुख होता है तो उससे कभी भी आपको फायदा नहीं होगा, कार्डिनल रूल। किसी को दुखी करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते, आप मानते हैं कि सुखी होते हैं एक टेम्पररी, किसी को ऐसा है लाइफ में, ऐसा है कि यू कैन लिव विद मिनिमम वायलेंस कंप्लीट, किसी को दुख ना हो कभी, यू कैन लिव विद मिनिमम वायलेंस, बट द प्रॉब्लम इज समटाइम्स यू डोंट वांट टू हर्ट, बट the other person without your knowledge gets hurt for nothing. Yeah, it's never for nothing. It is because of your ignorance only that things happen. No, we don't have the intention to hurt anybody. एक मिनट, कभी दीवार से टकराए, ये हॉस्पिटल में आए तो वहां भी दीवारें हैं, घर पर गए वहां भी दीवारें हैं, लोग भी दीवारें ही है, जैसे वो सबने के साथ टकराते हैं, लेकिन कभी दीवार से टकराए नहीं, तो वहां तो 100% नॉन वायलेंट है। आप समझे? समझिए ना, नॉन वायलेंट है मगर। एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव, अब श्रीमंद स्वामी के जगह उधर जाना है बोले तो सब लोग बोलते कि मन वचन काया का एकता है तो ही जा सकते, तो नहीं तो नहीं, तो एवरीबॉडी हैज टू डेवलप दैट नो, मन वचन काया का एकता। अरे इन अ कॉजल फॉर्म, नॉट इन द इफेक्टिव फॉर्म। दादा की आज्ञा में रहेंगे तो उसे कॉजल फॉर्म में हमारी एकता बनती है। आई वॉन्ट टू अचीव दैट, क्योंकि जैसे कैसे होता है वो देखो, आपने तय किया मुझे मारना नहीं है, ठीक है ठीक है, या लेकिन मारा जाता है आपके आचरण से, आपकी वाणी से, आपके मन से, फिर आप क्या करते, बैठे रहते हैं कि प्रतिक्रमण करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तय करते हैं कि नहीं 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 मुझे ऐसा कभी बिल्कुल करना नहीं है, मुझे किसी को भी दुख देना ही नहीं है, ऐसा तय करते हैं। तो उसको क्या समझना है, कॉजल फॉर्म में इन योर प्रोजेक्शन यू हैव डिसाइडेड नॉट टू हर्ट एनीवन, तो आज इफेक्ट में नहीं आता है, आज इफेक्ट में नहीं आता है, लेकिन भाव से आप ऐसा करते हैं। समझे? तो वो अगर लाइक 100 गलतियां है और 100 गलतियों में अगर आपने 70 उसमें अगर आपने ऐसा किया तो दादा भगवान ने बताया कि आपका महाविद्या क्षेत्र का टिकट पक्का है नेक्स्ट लाइफ में, और अगर उसे कम होता है तो वापस थोड़ा आके 70% पासिंग मार्क करके वहां जा सकते हैं। ओके इजी कर दिया ना,
आपके उसमें कितना है, 50% पासिंग है मेडिसिन में? बोलिए ना। Mostly my thought word and deed is same only. I don't know It's how to fine. I'm not saying no. मैं पूछ रहा हूँ मेडिसिन में कितना परसेंट पासिंग है? मेडिसिन में अभी पहले 50 था, अभी तो 60% है ना। 60 है ना, उसका मतलब क्या हो गया? 10 पेशेंट में से 4 पेशेंट मर गया ना, फिर भी आप डॉक्टर है? सॉरी। नो। एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, स्टडीज इज डिफरेंट ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप समझ गए कि नहीं? ओके, आई गॉट इट। अनुबेन, हु डिसाइड 70? यू आर द वन टू डिसाइड। आपको पता नहीं चलता है 100 जन आपके, 10 जन आपके पास आए और 7 लोगों के साथ आप ज्ञान में रह पाए, आपको पता चला कि ये गलती हुई, आपने प्रतिक्रमण किया, तीन के बारे में आपको पता ही नहीं चला, तो आपका 70% है। कोई ऊपर बैठा नहीं है आपको चेक करने के लिए, आप समझे? यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ओके ओके ओके, परफेक्ट। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे आपके पेशेंट क्लियर कर दिए। उमेश जी, स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, इट्स अगेन, इट इज टाइम, आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम, इट इज ऑलरेडी। मैंने कब बना किया? मैंने कहा आपको बोलो ना, आप प्रश्न बोलो। अच्छा, प्रश्न ये है स्वामी जी की, शुद्धात्मा के दृष्टिकोण से हम देखते और जानते हैं, ठीक है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उमेश कुछ कर रहा है और उमेश से कुछ गलती होती। एक मिनट, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उमेश करता है। नहीं, सॉरी, आई विल चेंज माय लैंग्वेज। यस, उमेश कुछ कर रहा है और उमेश रियलाइज करता है कि कुछ गलत हुआ। वो कभी रियलाइज नहीं करेगा गलत हुआ है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है ना। अच्छा, उसको ज्ञान नहीं है, तो उमेश को समझाता कौन है? क्योंकि शुद्ध आत्मा तो सिर्फ जानता और देखता है, समझा नहीं सकता, तो उमेश को समझाता कौन है? अच्छा, एक बात, आप गाड़ी चलाते हैं ना? हाँ जी। आप कार को समझाते हैं ऐसा ड्राइव करो करके, कि आप ड्राइव करते हैं ठीक तरह से? मैं ड्राइव करता हूँ ठीक तरह से। फिर समझाते किसको है आप? गाड़ी को समझाते हैं, आप ऐसे चलो, ऐसे मत चलाओ? नहीं, जैसे आप कई बार सत्संग में समझाते हो कि जब गलती हो रही हो या कुछ हो रहा हो तो खुद को समझाओ कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना। किसको समझाते हैं आप? वो समझना है ना। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब उमेश गलती कर रहा है तो समझाता कौन है? क्योंकि शुद्ध आत्मा तो सिर्फ देखता और जानता है। यही तो है, आप या तो उधर होते या इधर होते, बस बीच वाली स्थिति को पहचानो अपनी, की आप कौन है। अंतरात्मा दशा को पहचानेंगे तो आप सही ढंग से पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो बीच में तो अहंकार होता है। अरे, बीच में अहंकार चले गया, था पर डिस्चार्ज अहंकार तो है ही ना। वो आपका नहीं है, वो उमेश जी का है। तो फिर समझाता कौन है? प्रज्ञा शक्ति, एक्टिव शक्ति ऑफ शुद्धात्मा। एक्टिव शक्ति ऑफ शुद्धात्मा, अभी क्लियर हो गया। आपके एक्टिव शक्ति ऑफ शुद्धात्मा के बाल भी बढ़ गए, उसको सेवन करो अच्छे से। नहीं, बीच में आते हैं समझने में। तो प्रज्ञा शक्ति समझाती है उमेश को। इसीलिए हम क्या कहते हैं, शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में मैं अंतरात्मा में बैठा हुआ उमेश जी की जो जो गलतियां होती है उसको मैं अच्छी तरह से देखता हूँ और जहां जहां गलतियां होती है उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मैं शुद्धात्मा के व्यू पॉइंट में हूँ, यानी रियल व्यू पॉइंट से हूँ, और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं उमेश जी को सुधारता रहता हूँ। और प्रतिक्रमण कौन करता है? अभी तो बताया अंतरात्मा, आप ही करते हैं।
लेकिन बाहर से दिखाई देता है उमेश जी ने किया, तो प्रतिक्रमण भी शुद्धात्मा की प्रज्ञा शक्ति करती है। अरे क्या है आपका स्वर को ब्लेंड करना पड़ेगा अभी आपको, फिर से सुनो। हाँ जी। मैं अंतरात्मा में जागृत जी, शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश में जी मेरी गलती देखता हूं। कौन देखता है? मैं किसके प्रकाश में? शुद्धात्मा के प्रकाश में। किसको देखते हैं? उमेश की गलती को। कौन देखता है? मैं। आप यानी कौन? अब यही तो सवाल है। अंतरात्मा दशा में जागे हुए आप, अंतरात्मा की दशा में जागे हुए आप। अच्छा, ये बीच की स्थिति में जो जागा हुआ है। हाँ, ये अंतरात्मा की स्थिति में जो जागा हुआ है, अंतर्मुख हुए आप। पहले बहिर्मुख थे कि मैं ही उमेश जी हूं, तो आप किसको रिपेयर करेंगे? ठीक है, अब दूसरे को रिपेयर करते जाते थे बाहर, उमेश जी के बाहर। समझ गए? हाँ समझ गया, अब आई समझ मेरे को। वो जो ये अपने मैसेज में भी गया, उसको बार बार पढ़ो तो थोड़ा अंदर उतरेगा। समझ गया समझ गया स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू स्वामी। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोए सब साहुणम। नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सर्व पाव प्रणासनो। सर्व पाव प्रणासनो। मंगलानम च सवे सिम। मंगलानम च सवे सिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। प्रणाम। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और दोबारा सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे 10 मिनट का अलगपन के साथ। आहार के संबंधित जो जो दोष हुए उनका प्रतिक्रमण रखेंगे, और दिन में जब जब आप आहार ग्रहण करते हैं तो अच्छे से 5 इंद्रियों से उसको देखे जाने समझे, और स्वाद लेने का जब समय आते है तो उसे अच्छी तरह से 6 रस को देखे पहचाने।